नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को पैनल फैक्ट्री या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल की जो वर्कशॉप है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं कि एक पैनल फैक्ट्री खोलने के लिए अपने आपको कौन कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इस वर्कशॉप में हम किस प्रकार से पैनल का निर्माण करते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो आपका सीट कटर मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे जो मैंने सीट कटर मशीन जो दिखाया है वो आपका एक सेमी ऑटोमेटिक सीट कटर मशीन है, जिससे हम लोग सीट को मेज़रमेंट करने के बाद में सीट को यहाँ से कटिंग करते हैं। ठीक है, तो जो मशीन है आपका सीट बेंडिंग मशीन होती है। जब सीट कटिंग का कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में सीट को बेंडिंग करते हैं, और जब ये दोनों ऊपर के दोनों कार्य कंप्लीट हो जाते हैं तो आर्क वेल्डिंग मशीन या एमबीक वेल्डिंग मशीन के द्वारा इसको ज्वाइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो पैनल का स्ट्रक्चर है ये ढांचा कम्प्लीट हो जाता है। कुछ आपको ड्रिल करने की भी ज़रूरत पड़ता है, एंगल जो रहता है वहाँ पर कुछ ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके लिए आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगा। ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ मटेरियल जो है आपका सीट पे चिपक जाता है, उसको निकालने के लिए ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं। जब ऊपर की पाँचों आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम पेंटिंग वर्कशॉप में भेज देते हैं। इसके लिए हमको पाउडर कोटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसके अलावा हीट चैम्बर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, तो पाउडर कोटिंग मशीन में एक गन होता है जिसमें जिसके द्वारा पाउडर को स्प्रे किया जाता है पैनल के जो पूरे स्ट्रक्चर है या बॉडी उसमें स्प्रे किया जाता है अंदर और बाहर दोनों साइड। ठीक है, जनरली हम लोग जो कलर यूज़ करते हैं वो आपका सीमेंस ग्रे कलर यूज़ करते हैं पाउडर कोटिंग के लिए, और जब सीट पे पूरे पाउडर फैल जाती है या पूरे स्प्रे हो जाता है तो उसको एक हीट चैम्बर में डाल देते हैं। ये हीट चैम्बर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हीट चैम्बर है ये, और ये हीट चैम्बर में डालने के लिए उसको अलग अलग रेक रखे रहते हैं, उस रेक में डाल के उसको इस चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इस चैम्बर में करीब 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के जब तक सेट करते हैं, और जब 200 डिग्री टेम्परेचर सेट हो जाता है या वो टेम्परेचर जब आ जाती है तो हीट चैम्बर को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, और हमारा जो पैनल है ये स्ट्रक्चर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का प्रोसेस होता है, और कुछ बस बार का रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए हमें एक बस बार बेंडिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बस बार का कटिंग करके बैंड करके इस पैनल में उसको फिट कर देते हैं। ठीक है, और ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से बस बार होता है और किस प्रकार से फिट किया रहता है। ठीक है, कुछ इंसुलेटर का उपयोग करके हम लोग इसको अपने जो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर है ब्रेकर या MSSB उनके साथ में हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का होता है, जो रिक्वायरमेंट जो ड्राइंग होती है या रिक्वायरमेंट जो हमारा जो भी लॉजिक रहता है उस लॉजिक के थ्रू इसका वायरिंग किया जाता है, और इस प्रकार से ये हमारा जो पैनल है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में इसका लास्ट जो काम होता है आपका पैकिंग का काम होता है, इसको पॉलीथीन से पैक करके रख देते हैं और डिस्पैच के लिए ये पैनल रेडी हो जाता है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल जो पैनल वर्कशॉप है वहाँ पे काम होता है। फ्रेंड, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे जो चैनल है इलेक्ट्रिकल्स गाइड उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की आप लोगों को वीडियो और आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को आप लोगों को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।